ऐसे लोगों को ढूंढ रही है आंखें जो परमेश्वर से सहायता मांगते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया, मैं चाहता हूं आप परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले बन जाएं। मैं चाहता हूं आप परमेश्वर से सहायता मांगने वाले बन जाएं। मैं चाहता हूं आप परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले बन जाएं। मैं चाहता हूं आप परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखने वाले बन जाएं। मैं चाहता हूं आप परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखने वाले बन जाएं। आप चाहते तो हैं वो चमत्कार करे आपके जीवन में। परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन में चमत्कार करना। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो। फिर बीच में दूरी किस बात की, बस इसी बात कही कि परमेश्वर इस इंतजार में है कि कब आप उससे सहायता मांगे, कब आप उस पर भरोसा रखते हुए उससे सहायता मांगे। जैसे ही आप प्रभु परमेश्वर पर यीशु मसीह का भरोसा रखते हुए उससे सहायता मांगेंगे, परमेश्वर वहां पर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेंगे। हालेलुया। और जब सामर्थ्य प्रकट होगी, हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत जल जाएगी। जब परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगी, हर एक शैतान की ताकत जल जाएगी, दुश्मनों की सेना जल जाएगी। हालेलुया। सारे कर्जे के बंधन टूटेंगे, सारे बीमारियों के बंधन टूटेंगे, सारे जादू टूने के बंधन टूटेंगे जब परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगी। हालेलुया। जब परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगी, आपके घर के हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। जब परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगी, आपके जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। जब परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगी, आपके दुश्मन आपके सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। जब परमेश्वर की सामर्थ्य आप पर प्रकट होगे, तो आप कर्जे के तले दबे हुए नहीं रहेंगे, आप बीमारियों के तले दबे हुए नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य आप पर प्रकट होगी। हालेलुया। परमेश्वर तैयार है आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए। परमेश्वर तैयार है आपके जीवनों में सामर्थ को दिखाने के लिए। परमेश्वर तैयार है आपके जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए। परमेश्वर तैयार है आपके जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए। परमेश्वर तैयार है आपके जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए। परमेश्वर तैयार है आपके परिवार में अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए। परमेश्वर तैयार है आपके घरों में अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए। परमेश्वर की आंखें ढूंढ रही है, आप लोगों को ढूंढ रही है, ताकि आप कहें मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर से मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मैं तुझसे सहायता मांगती हूँ, मैं तुझसे सहायता मांगता हूँ। बस इस बात की और परमेश्वर का इंतजार है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर की आंखें ढूंढ रही हैं, आज भी परमेश्वर की आंखें पूरी सृष्टि पर लगी हुई हैं, आज भी परमेश्वर की आंखें पूरी दुनिया पर लगी हुई हैं। वो जीवित परमेश्वर, वो सृष्टि का रचनहार परमेश्वर आज भी उन लोगों को ढूंढ रहा है जो उस पर भरोसा रखते हैं और उससे सहायता मांगते हैं, ताकि वहां पर अपने सामर्थ्य को प्रकट करें। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार करे, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हालात बदले, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवारों के हालात बदले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी धन संपत्ति के हालात बदले, अगर आप चाहते हैं विजय पाना, तो परमेश्वर पर भरोसे करते हुए आज उससे सहायता मांगे, आज उससे सहायता मांगे। मैं ये नहीं कहता कि आप बुरे लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप पापी लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप परमेश्वर के दुश्मन हैं या परमेश्वर के विरोधी हैं। मैं ये कहता हूं आशा भी परमेश्वर का दुश्मन नहीं था, आशा भी परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, आशा राजा भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया, उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, उसने आराम के राजा पर भरोसा किया। आज हो सकता आप बहुत अच्छे हो सकता आपने अपने परिवार को छोड़ा हो सकता आपने इस प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया हो सकता आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुख उठाया हो और लोगों ने आपको बहुत से ताने मेने दिए, आपको बहुत सताया हो, और आप फिर भी आपने प्रभु को नहीं छोड़ा, आज भी आप प्रभु यीशु मसीह के बने हुए हैं। लेकिन इस बात को याद रखिए, कभी भी आप परमेश्वर से भरोसा मत खोइए, आप हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखिए, आप हमेशा यहोवा परमेश्वर से सहायता मांगते रहिए, क्योंकि परमेश्वर की आंखें ढूंढती हैं कौन
कौन मुझ पर भरोसा रख रहा है, कौन मुझसे सहायता मांगता है, कौन मुझसे सहायता मांगता है। आज इस समय, आज इस समय, आज इस समय, आज इस समय भी परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं और इस पूरी सृष्टि पर, पूरी दुनिया पर आज इस समय भी परमेश्वर की आंखें लगी है। कौन मुझसे सहायता मांग रहा है, कौन मुझ पर भरोसा रख रहा है? वो आप हो सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि आज आपने वचन सुना है, आज आपने पवित्र वचन सुना है, आज आप वो हो सकते हैं। आज आप कह सकते हैं, मेरे परमेश्वर पर भी यीशु मसीह, मेरे उद्धारकर्ता पर भी यीशु मसीह, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। आप कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे सहायता मांगता हूं। प्रभु यीशु मसीह पहले ही तैयार हैं सहायता करने के लिए, उनकी आंखें पहले लगी हुई हैं आप पर। आपके दिल से, आपके हृदय से ये बात निकलने ही वाली थी कि परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य दिखाने वाले हैं। आप अपने मन से कहें, आप अपने पूरे मन से कहें, अगर आज आप चमत्कारों को चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य आप पर प्रकट हो, आप सहायता मांगे अभी और इसी वक्त, इसी वक्त, अभी और 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 इसी वक्त, पूरी बाला बाबा रसी खेरी बिशिदरी सीधा बाला 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 बाबा, अभी और इसी वक्त आप परमेश्वर से सहायता मांगे, अभी और इसी वक्त आप परमेश्वर से सहायता मांगे, अभी और इसी वक्त आप परमेश्वर से सहायता मांगे, अभी और इसी वक्त आप परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर की, परमेश्वर अपने सामर्थ्य को यह प्रकट करना चाहते हैं। आप पुकारें परमेश्वर को, आप पुकारें परमेश्वर को, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे बल तू चेतिया, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू शेतिया, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू शेतिया, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू शेतिया, यहोवा मैं पुकारदा हां, मसीहा मैं पुकारदा, ओ यहोवा मैं पुकारदा, मसीहा मैं पुकारदा, पुकारदा पुकारदा पुकारदा, हाँ यहोवा मैं पुकारदा, पुकारदा पुकारदा, हाँ यहोवा मैं पुकारदा, पुकारदा छेती छेतिया, मेरे वल छेती छेतिया, यहोवा वल छेती छेतिया, छेती छेतिया, मेरे वल छेती छेतिया। अभी समय है आप परमेश्वर को पुकारें, आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर को पुकारे, क्योंकि परमेश्वर की आंखें आप पर लगी हैं कि कब ये मुझसे सहायता मांगे, कब ये मुझ पर भरोसा रखें और मैं अपनी सामर्थ को प्रकट करूं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ प्रकट करे, तो आप बोल लें, यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल्ले तो शेतिया, यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल्ले तो शेतिया, जदों पुकारा मैं तैनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तैनू खुदाया, हाँ जदों पुकारा मैं तैनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तैनू खुदाया, सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे वल तू शेतिया, सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे वल तू शेतिया, यहोवा मैं पुकारदा, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं,
परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं, परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं, परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं पूरी पृथ्वी पर, परमेश्वर की दृष्टि लगी हुई है पूरी पृथ्वी पर, परमेश्वर की दृष्टि लगी हुई आप पर। जो लोग आज परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, जो लोग आज परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, जो लोग आज परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, जो लोग आज परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो लोग आज परमेश्वर मसीह पर भरोसा रखते हैं, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखकर परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, परमेश्वर तैयार है आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए, परमेश्वर तैयार है आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए। परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने भी आपको पुकारा है, मेरे परमेश्वर पिता इस समय जितने लोगों ने आप पर भरोसा रखा है, जितने लोगों ने आप पर भरोसा रख के आपको पुकारा है, मेरे परमेश्वर पिता जितने लोगों ने आप पर भरोसा रखकर आपको पुकारा है, आप तो पहले ही तैयार हैं मेरे पिता, आप तो पहले तैयार हैं मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मसीहा, मेरे परमेश्वर मसीह, वहां अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए। आज इन लोगों ने वचन को समझा है, इसलिए आज ये आप पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने घरों में, अपने परिवारों में आपको पुकारते हैं, आपसे सहायता मांगते हैं। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर पिता, आप पर भरोसा रखते हुए, आप पर भरोसा रखते हुए, आप पर भरोसा रखते हुए, आप पर भरोसा रखते हुए आपसे सहायता मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। रिपर सिखा ला बाबा बता रहे, और मैं आपका दास होता हूं, आपसे विनती करता हूं, जितने लोग यीशु मसीह जी आज आप पर भरोसा करते हुए आपको से सहायता मांगते हैं, आपसे सहायता मांगते हैं, आज इनके जीवन में अपनी सामर्थ को ढेल दीजिए, अपनी सामर्थ को प्रकट कीजिए, अपने चमत्कार को प्रकट कर दीजिए मेरे प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया। इनकी सारी बीमारियां पर विश्व के नाम से निकले, इनके सारी अंधकार की ताकतें पर विश्व के नाम से निकले, जादू टोने की ताकतें पर विश्व के नाम से निकले, शैतान के बंधन पर विश्व के नाम से टूटे, आज इनके जीवन चमत्कार हो, क्योंकि ये परमेश्वर जी आप पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर जी ये आप पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर जी ये आप पर भरोसा रखते हैं, ये पर भरोसा रखते हैं मेरे परमेश्वर पिता, ये आप पर भरोसा रखते हैं, ये आप पर भरोसा रखते हैं, ये लोग आप पर भरोसा रखते हैं, ये लोग आप पर भरोसा रखते हैं, इसलिए आज इनके जीवन में चमत्कार होने दें, आज इनके जीवन में चमत्कार करें, आज इनके जीवन में चमत्कार करें प्रभु यीशु मसीह जी, आज इनके जीवन में चमत्कार करें प्रभु यीशु जी, आज इनके जीवन में चमत्कार करें प्रभु यीशु जी। रिपारा सिबाला बाबा बाबा ते बना तरु को बरी भी रिबेरी रिबित के रे बिशला बाला बाबा रे दबाला बाला ला बाला दबाला ला बाबा रिबाना दबारा डबा तेरे बित के रे बिश रे बिरी बी रिबाना दबारा डबा तारा बात कला बाला ला बाला ला बाला ला बाला रे दबे रे बित के रे बी हो। हालेलुया। आज बीमारियां परमेश्वर के नाम से निकल रही हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आ रही है, परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतर रही है, परमेश्वर की, परमेश्वर ने अपने सामर्थ को प्रकट करने का निर्णय ले लिया आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, इसलिए आपके जीवन से, आपके शरीरों से, आपके परिवार के शरीरों से इसी समय बीमारियां निकल रही हैं, इसी समय बीमारियां निकल रही हैं, मैं देख रहा हूं, इसी समय आपके जीवन से, आपके परिवार के जीवन से, परिवारों के शरीरों से बीमारियां निकल रही हैं, हर प्रकार की बीमारी निकल रही है परमेश्वर के नाम से, क्योंकि आपने परमेश्वर मसीह पर भरोसा किया, क्योंकि आपने परमेश्वर मसीह पर सहायता मांगी, परमेश्वर मसीह पहले ही तैयार थे आपके जीवन में अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए, और जैसे ही आज आपने सहायता मांगी है परमेश्वर मसीह के नाम से बीमारियां निकल रही हैं, मैं देख रहा हूँ पांव से लेकर सिर तक बीमारियां निकल रही हैं, जितनी भी पांव की बीमारियां हैं, पैरों में हर प्रकार की दर्द, पैरों में सूजन, पैरों में कईयों के जख्म हुए हैं, पांव में जख्म हुए हैं, होरी बारा बाबा बारा सिखा लबर नमा, सारे पांव के जख्म खत्म होते हैं परमेश्वर के नाम से, पांव में स्वेलिंग है किसी के, पांव की सारी सोजन स्वेलिंग खत्म होती है परमेश्वर मसीह के नाम से, पांव में दर्द है जिनके, परमेश्वर के नाम से पांव के दर्द खत्म होती है, कुछ लोगों के पांव जो है टेढ़े हैं, जिनके बच्चे हैं, कई बच्चों के पांव टेढ़े हैं, परमेश्वर के नाम से आज पांव सीधे होते हैं, जिनके पांव टेढ़े हैं परमेश्वर के नाम से आज पांव सीधे होते हैं, हे परमेश्वर जी आज आप इनके जीवन में सामर्थ प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आप पर भरोसा रखकर आपसे सहायता मांगी है, इनके पैर सीधे हो रहे हैं परमेश्वर के नाम से, इनके पांव सीधे हो रहे हैं, और जिनके, मैं देख रहा हूं कुछ लोग ऐसे हैं
जिनकी टांगे जो हैं एक छोटी है एक बड़ी है, इसलिए वो जब चलते हैं तो वो ऊंचा नीचा चलते हैं, उनके उनकी दोनों टांगे बराबर नहीं है, पर विश्व के नाम से आज वो टांगे बराबर हो रही हैं, दोनों के पैर बराबर हो रहे हैं, दोनों के पांव, दोनों की टांगे बराबर हो रही हैं। होरी बराबर बड़ा थाला बड़ा दबारा नमा, जो छोटी टांग है वो खींच कर पर विश्व के नाम से दूसरी टांग के बराबर हो रही है। रिप बरसी खाला बबर होता है नमा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, जिनके घुटने काम नहीं करते, घुटनों के प्रभु यीशु मसीह के नाम से घुटने के रोग निकल रहे हैं। आज आपने प्रभु यीशु पर भरोसा किया है इसलिए घुटनों के रोग निकल रहे हैं। आज आपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया है, आज आपने प्रभु यीशु मसीह से सहायता मांगी है इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में सामर्थ्य प्रकट करना चाह रहे हैं। और आपके घुटने जो 19 सालों से हैं, किसी के किसी के 7 सालों से हैं, एक 6 सालों से हैं, जिनके घुटनों में इतने सालों 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 से बीमारियां हैं, घुटनों के रोग हैं, आज निकल रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, आज निकल रहे हैं वो प्रभु यीशु के नाम से, घुटनों के रोग निकल रहे हैं। होरी बाला बाबा रा तेरी सिख लमा। केश के लोगों के घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है, घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है, पर यीशु के नाम से आपके 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 घुटने चंगे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घुटनों के नीचे की टांगे जो हैं वो सूख चुकी हैं, वो घुटनों के नीचे की टांगों में बल नहीं है। आज जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया है, जब आज आपने प्रभु यीशु मसीह से सहायता मांगी है, आपके घुटनों के नीचे के जो भी टांगे हैं उनमें बल आ रहा है प्रभु यीशु के नाम से, उनमें बल आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह पहले तैयार हैं आपके जीवन में आपके शरीर में सामर्थ्य दिखाने के लिए। पूरी बारा बाबा रा तला बारा इधा बारा नमा री बेरी री बीते गेरी बिशे दरी बिशे दा बाला लाबा इंदारा बारा बारा नमा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जिनके जिनकी कमर के नीचे की धड़ काम नहीं करती, कमर के नीचे का जो शरीर है वो काम नहीं करता, कमर तक तो हिलते जुलते हैं लेकिन नीचे का सारा शरीर उनका डेड है, उनका शरीर सुन्ना है। अगर उनको चुंडी से जहाँ चुंडी भरते हैं या कुछ भी उसको छेड़खानी करते हैं उनका असर ही नहीं होता कुछ भी, क्योंकि वह सुन्ना हो चुका है, नसें मर चुकी हैं, नसें मर चुकी हैं, नसें मर चुकी हैं, कमर के नीचे का हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा जितना भी है सब सुन्ना हो चुका है, बिल्कुल उससे कोई शुद्धि बुद्धि नहीं। चाहे उनके पास आग करते हैं, चाहे उनके पास आग रखते हैं, चाहे कोई गर्म प्रेस लगाते हैं, चाहे कोई गर्म चीज पास में रखते हैं, उसकी बॉडी को कोई असर नहीं हो रहा। आज जब आपने पर यीशु मसीह के नाम से भरोसा किया है, आज जब आपने पर यीशु मसीह पर भरोसा किया है, आज आपने पर यीशु मसीह के नाम पर भरोसा किया है, वो नाम जो सब नामों से उत्तम है, आकाश के नीचे मनुष्य में को दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार है, एक ही नाम है वो है पर यीशु मसीह। आपने पर यीशु मसीह से सहायता मांगने का निर्णय ले लिया है, आज आपने आप पर यीशु मसीह से सहायता मांगी है, पर यीशु मसीह पर भरोसा किया है। आज इसी समय बल आ रहा है रिब बाला कमर के नीचे आपके पांव में आपके टांगों में रिब बालो सिखला बाबरा सिखा रो बुरु तरीबा, सारे रोग निकल रहे हैं हर प्रकार के। कुछ लोगों के टांगों पर जख्म है, ऐसे जख्म है जो चंगे नहीं हो पा रहे, लंबे समय से हैं। आपके जख्म टांगों पर जो जख्म है पर विश्व के नाम से चंगाई जा रही है। आपके एलर्जी, आपके जो स्किन की प्रॉब्लम है आपके टांगों पर वो जा रही है। आपके आपकी टांगों पर दाद है वो रिपेरी सिदारा सिखा लबा नमा पर विश्व के नाम से निकलती है। पर विश्व से आपको चंगा करते हैं, पर विश्व के नाम से आप चंगा करते हैं रिपेरी सिखा लबर। और आप लोगों ने जिन्होंने भरोसा किया है और पर विश्व को पुकारा है, जिनके पेट में प्रॉब्लम है, कुछ 7 सालों से किसी के पेट में प्रॉब्लम है, पेट की बीमारियां हैं, आज प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ को प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की आंखें पूरी सृष्टि पर इसलिए लगी रहती हैं, कहां चमत्कार दिखाऊं, कहां चमत्कार दिखाऊं। आज आपने पुकारा है, आज आपने भरोसा किया है, आज आपने सहायता मांगी है, प्रभु यीशु मसीह सामर्थ प्रकट करना चाहते हैं। आपके पेट की बीमारियां आज प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकल रही हैं, इसी वक्त बीमारियां बाहर निकलती हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं, परमेश्वर से आपको चंगा करते हैं। आपकी बंद नसें जो है खुल रही हैं, कुछ की दिमाग की नसें बंद हैं, होरी बेला बाबा सिखरम, किसी के हाथ की नसें बंद हैं, किसी की पैर की नसें बंद हैं, ब्लॉकेज है, हार्ट की नसें ब्लॉकेज हैं, परमेश्वर के नाम से चंगाई आ रही है, परमेश्वर मसीह तुम्हें चंगा करते हैं।